my name is Priya and I hope you all are safe and doing great. So today's video is all about Lulu and Sky Haul. So अगर आप इस ब्रांड के बारे में first time सुन रहे हो, so ये एक website या एक application है जहाँ पे आपको clothing items, footwear and accessories, bags, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, वो भी काफ़ी affordable prices में. Like आप बोल सकते हो Shein से भी affordable prices में. So yes guys, without any further ado, let's get into the video. मेरे पास टोटल 6 आइटम्स है, 3 बॉटम्स है, 2 ड्रेसेस है और एक बॉडी सूट है. और जितने भी प्राइस रेंज है इसके अंडर ₹500 है, तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हॉल होने वाला है. एंड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लेना. और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका रिटर्न एंड जो एक्सचेंज पॉलिसीज है एंड जो भी इनकी कूपन्स वगैरह है वो सब मैं आपको दे दूंगी. सो चलो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉटम वेयर से. सो जो फर्स्ट बॉटम वेयर मैंने लिया है वो है ये स्कर्ट. सो ये एक टाइगर प्रिंट स्कर्ट आप बोल सकते हो. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. वेरी वेरी नाइस, मतलब इस तरीके से प्रिंटेड वाले स्कर्ट एंड पीछे आपको इस तरीके से इलास्टिक मिल जाएगा. एंड इसके जो पॉकेट है ना, इधर भी लाइनिंग दी हुई है पिंक कलर का. साइज आई थिंक इसमें मैंने लिया है S. और इसके जो प्राइस है वो आई गेस ₹235 है. मैं स्क्रीन पे दे दूंगी इसकी प्राइस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. एंड इसकी जो मटेरियल है वो है 100% पॉलिएस्टर, बट मटेरियल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और पहनने के बाद भी ये मतलब डिसेंट लग रहा था. लाइक इस प्राइस में और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे. सो ओवरऑल मुझे ये स्कर्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो एक स्कॉट्स है. स्कॉट्स का मतलब है स्कर्ट प्लस शॉर्ट्स को मिला के इन्होंने स्कॉट्स बनाया है. सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है. ये लुक वाइज इसका स्कर्ट वाला आता है, लेकिन एक्चुअली में ये पीछे से देखोगे तो ये शॉर्ट्स हैं. और इसके पीछे आपको जो है इस तरीके से जिप मिल जाएगा. ये जिप की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. एंड फ्रंट पे जो है आपको इस तरीके से बेल्ट टाइप का मिलेगा और यहाँ पे एक रिंग लगा हुआ है. मटेरियल जो है इसका 100% पॉलिएस्टर है. साइज मैंने लिया है मीडियम में और इसकी प्राइस कुछ ₹412 थी. सो येस अगेन ठीक ठाक प्राइस है. किसी टॉप के नीचे अगर समझ नहीं आ रहा ना क्या पहनना है बॉटम में, सो आप ऐसे स्कॉट्स ले लो तो बस आपका काम निपट जाएगा. बहुत ज़्यादा मतलब यूजफुल होता है, काफ़ी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो चलो गाइस देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइटम. नेक्स्ट जो है वो है एक सिगरेट पैंट. बाय द वे मैं आपको पैकेजिंग इसका दिखाना भूल गई थी. सो वो इस तरीके से पैकेजिंग में देते हैं. इसके ऊपर लिखा होता है लुलू एंड स्काई. एंड इस तरीके से जो है इसका आउटर पैकेजिंग आता है, इस पर भी पूरे में लिखा होता है लुलू एंड स्काई. सो येस. एंड जो सिगरेट पैंट है वो कुछ इस तरीके से दिखता है. मेरे पास अगेन सिगरेट पैंट एक भी नहीं था, तो मैंने जो है एक खरीद लिया क्योंकि मुझे चाहिए था. एंड ये मुझे कुछ 600 समथिंग का मिला है. अगेन इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. और ये हाई वेस्टेड है, लेकिन मेरी हाइट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इसी वजह से ये मेरे को लेंथ में थोड़ी सी लंबी आई है. लाइक मुझे ऑल्टर करवाना होगा. लेकिन अगर आपकी हाइट 5.5 या उससे ज़्यादा है ना, ये आपको परफेक्टली फिट आएगा. बाय द वे वेस्ट मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट आया है. ये जो साइज़ है वो मैंने लिया है S और इसमें लिखा हुआ है ₹4,449, बट मैंने इसको लिया है ₹667 में. आई थिंक विच इज़ लाइक सुपर अफोर्डेबल. लाइक अगर आपको ये वाला पैंट मिलता है ना, अभी स्टॉक पे ये है मैंने देखा था, तो डेफिनेटली इसको ले लेना बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इनको और भी ज़्यादा कलर्स इसमें अवेलेबल होना चाहिए था. लाइक वाइट एंड ब्लैक तो डेफिनेटली होना चाहिए था, बट इसमें एक ही कलर अवेलेबल था. और इसकी मटेरियल जो है 100% पॉलिएस्टर है. फॉर्मल वेयर तो है ही, और इसको आप इनफॉर्मल लाइक नॉर्मल अपने क्रॉप टॉप्स के नीचे भी पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा. ओके गाइस, तो अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है ड्रेसेस. तो मैंने वहाँ से 2 ड्रेस परचेज किया है. तो जो पहला ड्रेस है वो है ये, और बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन ड्रेस बोल सकते हो आप, मतलब ऐसे जो है ना देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है. तो ये टी शर्ट ड्रेस है बेसिकली, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. फ्लेयर में है एंड नीचे जो है इसका पूरा मैश टाइप की डिटेलिंग है, लाइक नेट वाली डिटेलिंग है. एंड ये मिड लेंथ, मतलब मेरी तो ये मिड लेंथ से थोड़ा सा नीचे, लाइक नी से काफ़ी ज़्यादा नीचे ही है. कि हाइट अगर ज़्यादा है तो ये आपको जो है ना मिड लेंथ तक आएगा, लाइक नी तक आ जाएगा.
और इसके जो ऊपर का है ये कुछ इस तरीके से नॉर्मल टी शर्ट टाइप की है, ओवर साइज टी शर्ट टाइप की लगेगा। एंड सामने ये ना सीक्वेंट का काम दिया हुआ है एंड देन यहाँ पे इस तरीके से लेस बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट वाला ड्रेस है और ऐसा भी अगेन मेरे पास नहीं था। एंड बैक मैं इसका आपको दिखा देती हूँ बैक कैसा है। सो जब आप इसको पहनोगे ना सो पीछे से ये थोड़ा सा ना ऐसा लुक आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि स्कर्ट अलग है, मतलब नीचे वाला पोर्शन आपका अलग है एंड ऊपर का जो ये टी शर्ट है ना वो अलग है। सो पीछे से ऐसा लुक आएगा बट सामने से जो है ये एक ड्रेस का लुक देगा। एंड मुझे सबसे ज़्यादा इसका जो पसंद आया वो है इसका कलर, बिकॉज यू गाइस नो कि आजकल बेज एंड जो ऐसे न्यूट्रल्स कलर है ना वो ज़्यादा चल रहे हैं, लाइक ज़्यादा ट्रेंड में है। और इसमें जो मैंने साइज लिया है वो एस साइज का है। मटेरियल अगेन इसकी पॉलिएस्टर है, 100% पॉलिएस्टर। और प्राइस आई गेस ये 480 रुपीज़ का है ये, विच इज़ अगेन वेरी वेरी अफोर्डेबल, जैसे कि मैंने बोला अंडर 500 ही है। सो ये 480 रुपीज़ का मुझे मिल गया था। आपको इस तरीके से ना एस्थेटिक वाले ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है सो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। ओके गाइस, सो नेक्स्ट अब जो मैं आपको ड्रेस दिखाने वाली हूँ ना वो मैं पहले ही बता दूँ फ्लैश वार्निंग है, लाइक बहुत ही ज्यादा आपके आंखों में चुभने वाला है। तो वो ड्रेस है, दिल थाम के बैठना ओके, क्योंकि आपके आंखों में ना ऐसे ऐसे भी होने वाला है क्योंकि मुझे ही ऐसा फील हो रहा है। सो वो ड्रेस है, मतलब जो चटक नियॉन ग्रीन कलर जो नहीं होता एग्जैक्ट वैसा कलर है। एंड सबसे पहले लाइक ड्रेस के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले बताओ उसकी प्राइस कितनी हो सकती है, मतलब गेस करो कितनी प्राइस की मैंने ये ड्रेस लिया है। सो इसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ ₹99। एंड जब मैंने देखा था ना उस वेबसाइट में कि ₹99 का ऐसा एक ड्रेस मिल रहा है, लाइक बॉडीकॉन ड्रेस मिल रहा है, मैंने सोचा नहीं कि ये ड्रेस मेरे पे कैसे लगने वाला है या मैं कैसे कैरी करूँगी। मैंने वैसे ही इसको कार्ट में ऐड कर लिया और आई थिंक ये ड्रेस अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, बट तुम लोग फिर भी अपने विश लिस्ट में रख देना अगर तुम लोगों को ना कुछ मतलब थोड़ा अलग सा ट्राई करना है। नाउ बात करते हैं इस ड्रेस की। ये ऐसे सामने से यू वाला नेक है, राउंड नेक में है एंड बैक इसका पूरा बैकलेस है, जैसे आप देख सकते हो पूरा बैकलेस है। एंड साइड से ना इसका पूरा ऐसे जिप क्लोजर दिया हुआ है, मतलब कि ये पूरा ऐसे ना नीचे से खुल जाएगा, तो अगेन फिटिंग वगैरह की कोई वैसे इशू नहीं होगी, ऐसे पूरा खुल जाता है ये ड्रेस इस तरीके से। एंड जिप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इसकी जो साइज है वो है एल साइज में मैंने लिया था। उनका जो साइज चार्ट है ना वो हर एक आउटफिट के लिए अलग अलग साइजेस है, तो साइज चार्ट एक बार डेफिनेटली अच्छे से चेक करना, अपने साइज के अकॉर्डिंग ही लेना, क्योंकि उनके साइज चार्ट ऑलमोस्ट लाइक ठीक ठाक ही होते हैं बट कभी कभी थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, सो वो चीज़ आप लोग देख लेना। बाय द वे इसकी जो मटेरियल है वो है 85% पॉलिएस्टर एंड 15% स्पैंडेक्स, आई गेस उसी वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, बट ओवरऑल मुझे ₹99 का तो ये ड्रेस बिल्कुल वर्थ लगा। एंड ये परफेक्ट लेंथ है, जैसे मुझे पसंद है जो लेंथ, बिल्कुल वैसा लेंथ है। एंड मैंने किस तरीके से स्टाइल किया है वो तो आप लोगों को डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा, सो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी दे दूंगी। और यस, चलो अब देख लेते हैं हमारा लास्ट और फाइनल आइटम जो कि है एक बॉडी सूट। और इस हॉल का सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट वाला चीज बोल सकते हैं, हमेशा मेरे साथ एक ऐसा ही होता है, लाइक एक चीज तो होती है जो मुझे नहीं पसंद आती है हॉल में, तो चलो कोई नहीं, सो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सो वो है ये बॉडी सूट, अब बहुत ही ज्यादा सुंदर सा दिखने में है ये, कुछ इस तरीके से बॉडी सूट है। और यहाँ पे सामने से ना ये हुक वाला दिया हुआ है, सो ऐसे करके ना आपको इधर अटैच करना होता है, इधर है ना पैडिंग्स भी दी होती है, अगेन कोई झंझट नहीं होता अंदर कुछ पहनने का। ओके, सो इसमें ना फैब्रिक जो है ना इसका 90% पॉलिएस्टर और 10% कॉटन मिक्स है ये। नाउ इसमें मुझे दिक्कत क्या हो रही है, मुझे नहीं पता कि साइज मैंने गलत चूज किया या उनके वेबसाइट में किस हिसाब से ये साइज दिया हुआ है। ये मुझे जब मैं पहन रही हूँ ना तो मुझे इस साइड में लाइक बीच में से ये बिल्कुल भी अच्छा लुक नहीं आ रहा है, लाइक ये कहीं से भी फिट मुझे नहीं हो रहा है। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये मुझे लूज हो रहा है या टाइट हो रहा है, मुझे ये चीज़ भी समझ नहीं आ रहा है इसको पहनने के बाद, तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रिकी है। और मुझे ये बिल्कुल भी फिट नहीं आया है, सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये जो बीच वाला पार्ट है ना इसको ऐसे स्टिच कर दूँ, क्योंकि स्टिच करने के बाद ये मुझे फिट हो जाएगा, बट ऐसे तो ये मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा है। एंड पीछे से आप देख सकते हो कि इधर इस तरीके से ना वो जो सिलिकॉन टाइप का होता है वो भी लगा होता है, जिससे कि ये ऐसे खुलने का डर नहीं होता,
था, बट इसको जो है ना मैंने रिटर्न रिक्वेस्ट भी डाला था उनके वेबसाइट पे, बट उस टाइम पे अगेन कोविड वाला सिचुएशन था, सो वो लोग आई गेस रिटर्न एंड एक्सचेंज वाली चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सो उनके कस्टमर केयर से मैंने बात करी, सो उन्होंने बोला कि हम आपको रिफंड कर रहे हैं बट आप प्रोडक्ट भी आप रख लो। सो आई गेस उन्होंने मुझे कुछ इसका थोड़ा सा हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट उन्होंने मुझे रिफंड कर दिया। बाय द वे इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अफोर्डेबल ही था, आई गेस 199 रुपीज़ का। 10 डेज रिटर्न पॉलिसी है और रिटर्न पॉलिसी लॉन्ड्रीज एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स हाइजीन पर्पज की वजह से। बात करते हैं ऑफर्स की, तो ऑफर्स इनके वेबसाइट पे ऐसे लिखा होता है कि मिडनाइट तक ही है, फ्लैश सेल बस इतने टाइम तक ही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। उनके जो वेबसाइट पे हमेशा हमेशा सेल चलती है, और सेल तो चलती है प्लस अगर आप कितने पर्टिकुलर अमाउंट से अगर आप ज़्यादा खरीदते हो तो वो लोग आपको कूपन्स भी देते हैं, सो आपको 15% 10% ऑफ भी मिल जाता है। सो विच इज़ रियली ग्रेट ओवरऑल। मुझे लुलू एंड स्काई बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इस वेबसाइट से, तो मुझे क्वालिटी बोलो, उनकी कस्टमर सर्विस बोलो, सब कुछ ही बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइज। एंड प्राइस की बात करें सो इतना अफोर्डेबल मुझे नहीं लगता आपको किसी और वेबसाइट में मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, नीचे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको इस पूरे हॉल में से कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया है। और येस टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।